हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए ब्रॉड बीन्स की बहुत ही टेस्टी, मसालेदार और चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम ब्रॉड बीन्स की सूखी सब्जी बनाने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है। आज हम इसे स्टर फ्राई करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। ब्रॉड बीन्स की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच तेल लिए हैं। मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का यूज़ किया है, आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो इसे आप अच्छी तरह से गर्म कर लें, ताकि इसकी जो स्मेल होती है, सरसों तेल में एक स्मेल आती है, वो चली जाती है। तो चलिए, इसे गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा ऐड कर दिया है और साथ में ही 2 से 3 सूखी लाल मिर्च का हम तड़का दे देंगे। अब इसे हम थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे, लगभग 1 मिनट तक या 30 सेकेंड तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसे फ्राई करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी ऐड करूँगी। हम इसमें लगभग 1/4 टीस्पून के करीब हींग डाल देंगे। तो चलिए, इसे भी एक बार मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इस सब्जी में सूखी लाल मिर्च और हींग का तड़का बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए, अब हींग भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लगभग 1 बड़ी चम्मच के करीब क्रश किया हुआ गार्लिक। ये लगभग 12 से 15 गार्लिक है, जिसे मैंने पील करके अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। तो चलिए, इसे भी हम इसमें डालकर थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें इसे प्याज के साथ भी फ्राई करना है, इसलिए हम इसे लगभग कुछ सेकंड्स तक ही मीडियम हीट पर अभी फ्राई करेंगे। तो चलिए, अभी ये थोड़ा सा फ्राई हो गया है, इसकी जो कच्ची स्मेल है वो चली गई है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 बड़े साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने ऐसा लंबा लंबा स्लाइस किया है, आप इसे छोटा छोटा काट कर भी डाल सकते हैं। और 4 से 5 हरी मिर्चें, इसे भी मैंने ऐसा छोटा छोटा काट लिया है। तो चलिए, इसे भी अब इसमें डाल देते हैं। अब प्याज को हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, यानी प्याज का जब थोड़ा कलर चेंज होने लगे, तब तक हमें इसे फ्राई करना है। प्याज को हम एकदम ही गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नहीं भूनेंगे, क्योंकि हमें इसे सब्जी के साथ भी फ्राई करना है, तब वो अच्छी तरह से पक जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का गुलाबी होने लगा है। तो इसी टाइम पर हम इसमें ऐड कर देंगे ब्रॉड बीन्स। ब्रॉड बीन्स को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और उसके बाद उसे कट कर लिया है। मैंने लगभग 500 ग्राम के करीब ब्रॉड बीन्स लिए हैं। तो इसे हिंदी में हम सेम भी कहते हैं, सेम की फली, कई जगह पे इसे वाल भी कहा जाता है। तो चलिए, इसे अब हम इसमें डाल देते हैं। प्लेट में जो थोड़ा सा पानी है, आप उसे ना जाने दें। आप चाहें तो ब्रॉड बीन्स को पहले अच्छी तरह से धो करके उसके बाद पोंछ लें और उसके बाद उसे कट करें, तो ये जो पानी है ये इसमें नहीं रहेगा। तो चलिए, ब्रॉड बीन्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसी टाइम पर इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक ऐड किया है, लगभग 1 छोटा चम्मच। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया है और 1.5 छोटे चम्मच धनिया पाउडर। साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1/2 छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और मैंने लास्ट में इसमें ऐड किया है 1 छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर। तो चलिए, इन सूखे मसालों को हम बीन्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब मसालों को बीन्स के साथ हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, यानी हमारे जो सूखे मसाले हैं थोड़े से पक जाएंगे, उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने, देखिए, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब पैन को कवर करके हम बीन्स को 5 मिनट तक मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे। आप इसे बिल्कुल भी लो हीट पर फ्राई नहीं करें, लो हीट पर फ्राई करने से ये थोड़े सॉगी हो जाते हैं और इसका जो क्रंची टेक्सचर है वो नहीं आता है। तो मैंने लगभग 5 मिनट तक इसे मीडियम हीट पर फ्राई किया है और इसे बीच में मैंने 1 से 2 बार चला लिया था। तो चलिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 टमाटर। मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसे ऐसा छोटा छोटा कट कर लिया है। तो चलिए, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। सूखे मसालों को थोड़ी देर तक पकाने के बाद ही इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे, इससे सब्ज़ी में अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि हमारे जो मसाले हैं थोड़े से पक जाते हैं, इससे इस सब्ज़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट ऐड होता है। तो चलिए, टमाटर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब इसे हम ढककर लगभग 10 से 12 मिनट तक लो मीडियम या मीडियम हीट पर ही फ्राई करेंगे। एकदम ही सिम पे इसे करके ना पकाएं, इससे सब्जी में अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इसे हम बीच बीच में चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सब्जी के ऊपर अभी से ही थोड़ा सा गोल्डन क्रस्ट, यानी जो एक क्रिस्पी टेक्सचर होता है, वो आने लगा है, क्योंकि हम इसे मीडियम हीट पर फ्राई कर रहे हैं, इसकी वजह से इसके ऊपर ये जो क्रस्ट है वो आ रहा है। अगर आप इसे लो हीट पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही सॉगी हो जाएंगे। तो चलिए, इसे हम ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए सॉफ्ट होने तक, यानी जब तक हमारी ब्रॉड बीन्स अच्छी तरह से पक ना जाए, तब तक हम इसे पका लेंगे। तो लगभग मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है। अब हमारी ये टेस्टी मसालेदार सूखी सब्जी रेडी है। आप देख सकते हैं कि बीन्स भी अच्छी तरह से पक गए हैं।
तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं। आप चाहें तो इसमें लास्ट में बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं। तो आप इस गर्मा गर्म सब्जी को लंच में या डिनर में दाल या चावल के साथ सर्व कीजिए, या आप इसे पराठे के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाकर देखिए। मैंने आपको जो भी टिप्स बताए हैं आप उसे फॉलो करके इस सब्जी को बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी बहुत टेस्टी बनेगी। तो आप भी मेरी इस चटपटी मसालेदार ब्रॉड बीन्स की सब्जी को ज़रूर ट्राई करके देखिए और बनाने के बाद अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं फिर से न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।